जय श्री राम आप सभी को जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस साल वर्ष 2024 में शरदीय नवरात्रि का पांचवा दिन 7 अक्टूबर को मनाया जाएगा नवरात्रि का पांचवा दिन स्कंद माता की पूजा को समर्पित होता है और माँ के इस रूप को ममता की मूर्त माना जाता है माँ की गोद में भगवान स्कंद यानी कि स्वामी कार्तिकेय हैं मान्यता है कि स्कंद माता की पूजा करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है और आपकी संतान की हर बुरे प्रभाव से रक्षा होती है तो आइए जानते हैं स्कंद माता की कथा और महत्व मान्यता है कि स्कंद माता की पूजा करने से बुद्धि भी ज्ञानी हो जाता है स्कंद कुमार यानी स्वामी कार्तिकेय की माता होने के कारण इन्हें स्कंद माता के नाम से पुकारा जाता है स्कंद माता के विग्रह में भगवान स्कंद बाल रूप में इनकी गोद में विराजित हैं देवी की चार भुजाए हैं ये दाई तरफ की ऊपर वाली भुजा से स्कंद को गोद में लिए हैं और नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प सुशोभित है बाई तरफ ऊपर वाली भुजा वर मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है इनका वर्ण एकदम श्वेत और ये स्वयं कमल के आसन पर विराजमान है इसीलिए इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है सिंह इनका वाहन है पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माता माँ पार्वती का ही रौद्र रूप है इस संबंध में यह कथा बताई जाती है कि एक बार कुमार कार्तिकेय की रक्षा के लिए जब माता पार्वती क्रोधित होकर आदिशक्ति रूप में प्रकट हुई तो इंद्र भय से कांपने लगे इंद्र अपने प्राण बचाने के लिए देवी से क्षमा याचना करने लगे कथा के अनुसार कहते हैं कि एक बार तारकासुर नामक राक्षस था जिसका अंत केवल शिवपुत्र के, शिव के हाथों से ही संभव था तब माँ पार्वती ने अपने पुत्र स्कंद यानी कार्तिकेय को युद्ध के लिए प्रशिक्षित करने के लिए इसकंद माता का रूप लिया था इसकंद माता से युद्ध प्रशिक्षण लेने के बाद ही भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर का अंत किया था क्योंकि कुमार कार्तिकेय का एक नाम स्कंद भी है तो सभी देवतागण माँ दुर्गा के रूप को मनाने के लिए उन्हें माता कहकर पुकारने लगे और उनकी स्तुति करने लगे तभी से माँ दुर्गा के पांचवें स्वरूप को स्कंद माता कहा जाने लगा और उनकी पूजा पांचवी अधिष्ठात्री के रूप में होने लगी स्कंद माता को वाणी की देवी भी माना गया है इसीलिए जो लोग गायन एंकरिंग या फिर किसी ऐसे और प्रोफेशन से जुड़े हों जिसमें आवाज का महत्व होता है उन्हें नवरात्रे में विशेष तौर पर स्कंद माता की पूजा करनी चाहिए जिनके गले में किसी प्रकार की तकलीफ या वाणी दोष हो उन्हें गंगा जल में पांच लौंग मिलाकर माता का आचमन कराना चाहिए माता को भोग स्वरूप केला अर्पित करना चाहिए माता को पीली वस्तुएं प्रिय होती हैं इसलिए केसर डालकर खीर बनाएं और उसका भोग लगाएं। नवरात्रि के पाँचवें दिन लाल वस्त्र में सुहाग की सभी सामग्रियाँ लाल फूल और अक्षत के समेत माँ को अर्पित करने से महिलाओं को सौभाग्य और संतान की प्राप्ति होती है इसके साथ ही पांच कन्याओं और पांच बालकों को भेंट स्वरूप खीर और मिठाई देने से माँ भगवती प्रसन्न होती है देवी की कृपा से खाली झोलियाँ भरती हैं और सभी मुरादें पूरी होती हैं जय हो स्कंद माता की जय हो देवी भगवती की